आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं किसी वर्गाकार पार्क की चौड़ाई। अब देखिए, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया उसमें आयताकार लिया था, और इस वीडियो में दो प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, एक वर्गाकार का और एक त्रिभुज का, यानी दो प्रश्न ले रहे हैं। दोनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बारी बारी से। इस वीडियो को जो है अच्छे से देखिएगा, जो भी फार्मूला या ट्रिक इसमें लगेगी उसको अच्छे से तैयार करना है। इस तरीके से प्रश्न अगर आएंगे तो बहुत ही कम समय के अंदर यानी चुटकियों में आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। किसी वर्गाकार पार्क की चौड़ाई 20% कम की गई, उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल ज्यों का त्यों बना रहे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोला गया है प्रतिशत वृद्धि हमें बतानी है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए ठीक है फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। देखिए, यहाँ पर 100 गुणे में हमारा रहेगा एक्स और 100 रहेगा, जब यहाँ बात की गई थी 20% की, भाई चौड़ाई जो है 20% कम की गई, तो चौड़ाई को 20% कम किया गया है, तो हम माइनस रखेंगे एक्स। एक्स वैल्यू हमारी यहाँ पर है 20 यानी 20 है, तो एक्स बराबर कितना है हमारा 20% है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमें बताना है कि प्रतिशत वृद्धि कितनी, तो 100 में हम गुणा कर देंगे 20 से, क्योंकि 20 यहाँ पर प्रतिशत दिया में दिया गया है, यानी जो हमारा गिवन डाटा था इस क्वेश्चन में वो दिया जाता है, उसको यहाँ पे रखते हैं। 100 यहाँ पर है, उसमें से हम अगर 20 माइनस कर देंगे ठीक है, तो वैल्यू अब कितनी बचेगी आप बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब तो यहाँ पे 100 ही रहेगा और गुणे में 20 रहेगा, यहाँ पर 100 से 20 जाएगा 80 आ जाएगा, 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, और 2 कम 2 और 2 चौके 8, अब 4 से इसके भाग दे देंगे 100 को, 4 कम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 4 से जब 100 को भाग देंगे 25 बार जाएगा, तो ये 25 जो आ गई है वैल्यू, यही इसकी प्रतिशत वृद्धि, यानी उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, तो बताएंगे लंबाई में 25% की वृद्धि अगर कर दी जाएगी तो उसके क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल ज्यों का त्यों बना रहेगा, यही इसमें पूछा गया था। तो 25% की वृद्धि, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, एक त्रिभुज का आधार 30% कम कर दिया जाता है, यानी कम कर दिया गया, उसकी ऊंचाई देखिए, ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। देखिए, एक त्रिभुज है ठीक है, उसके आधार में 30% कमी की जा रही है, उसकी चौड़ाई में उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की बढ़त की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल ना बदले। तो यहाँ पर ऊंचाई में प्रतिशत बढ़त बतानी है, तो प्रतिशत बढ़त निकालने के लिए ठीक है, प्रतिशत बढ़त निकालने के लिए कितनी की जाए, तो हम प्रतिशत बढ़त कैसे निकालेंगे। ठीक है, सिंपल सा इसका भी फार्मूला वही चीज़ है, सिंपल सा, यानी 100 गुणे x, एक्स मीन्स यहाँ पर जो भी ऊपर कमी या वृद्धि की जा रही है, तो x बराबर यहाँ पर दिया गया 30 यानी 30, और बटे में रखेंगे 100, और वृद्धि कमी है यहाँ पे, कम कर दिया गया ना, 30% कम किया गया, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे एक्स को। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 100 हो गया, और एक्स हमारा कितना है 30, तो 30 रखेंगे, नीचे 100 से माइनस करेंगे 30 को, अब यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणे 30, और यहाँ पर हो जाएगा 70 ठीक है, 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर कट गया, तो 100 और 3 का गुणा करेंगे 300, नीचे बचा है 7 ठीक है, तो ऊपर हो गया 300 और नीचे है 7, अब 7 से इसे भाग देंगे, 7 कम 7 और 7 चौके 28, यहाँ बचा 2 और 7 दूनी 14 यानी 42 यहाँ पर बचेगा, और इधर 6 और इधर 7% ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 42 सही 6/7%, तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगर 42 सही 6/7% मुझे त्रिभुज के ऊंचाई में ठीक है बढ़त की जाए जिससे कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो छोटा सा फार्मूला हमारा ये वाला फार्मूला, इसको अच्छे से तैयार रखिएगा, इसमें वैल्यू रखेंगे, और इस तरीके से अगर इस नेचर पर आधारित प्रश्न आते हैं उनको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर तुरंत लग जाएगा और आसानी से आपका आंसर आ भी जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।